हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। 80-20 प्रिंसिपल एक सीक्रेट बताता है जिससे आप कम एफर्ट्स में ज़्यादा अचीव कर सकते हो। यह प्रिंसिपल आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। यह प्रिंसिपल आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है। यह प्रिंसिपल आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा सकता है। यह प्रिंसिपल आपकी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं ये 80-20 प्रिंसिपल है क्या। 80-20 प्रिंसिपल की खोज इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पारेटो ने 1870 में की थी। उन्होंने अपनी स्टडी से यह पता लगाया कि 19 सेंचुरी की इटाली की वेल्थ और इनकम का मेजोरिटी हिस्सा 80% हिस्सा 20% पॉपुलेशन के पास था। उन्होंने आगे यह भी पता लगाया कि यह पैटर्न न सिर्फ इटाली में अप्लाई होती थी पर हर किसी फील्ड में, हर किसी कंट्री में, हर किसी टाइम में अप्लाई होती थी। तो इस 80-20 पैटर्न को ही 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको 80-20 पारेटो लॉज भी या पारेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब है 20% इनपुट 80% आउटपुट देता है, 20% एफर्ट 80% रिवार्ड देता है। इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो 80% इनपुट सिर्फ 20% आउटपुट ही देता है, 80% एफर्ट्स सिर्फ 20% रिवार्ड्स ही देता है। हम यह मानते हैं कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बैलेंस है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन लीनियर है। हम यह भी बिलीव करते हैं कि जितना हमारा इनपुट होगा उतना ही हमारा आउटपुट होगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यह जो रिलेशन है वो अनबैलेंस है, नॉन लीनियर है। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है, अनबैलेंस है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आप यह मानते हो कि हर एक अपॉर्चुनिटी, हर एक प्रॉब्लम इक्वल लेवल का है। अगर मैं आपके बिजनेस लाइफ की बात करूँ तो आप मानते हो कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक कस्टमर इक्वल लेवल का है। और अगर मैं आपकी सोशल लाइफ की बात करूँ तो आप मानते हो कि हर एक फ्रेंड्स, हर एक रिलेटिव इक्वल लेवल का है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यह जो रिलेशन है वो अनबैलेंस है, नॉन लीनियर है। अगर आप पैटर्न देखोगे तो मोर ऑर लेस वो 80-20 के नज़दीक होता है, जिसको 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि कोई कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाती है, तो इन 100 प्रोडक्ट में से 20 प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिससे कंपनी को 80% प्रॉफिट होता होगा। अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उनमें जितने एम्प्लॉय होंगे उनमें से 20% एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो 80% काम करते होंगे। अगर इस रूल को मैं सोशली अप्लाई करूँ तो आपके जितने रिलेटिव होंगे या जितने फ्रेंड होंगे उनमें से 20% फ्रेंड या रिलेटिव ऐसे होंगे जिसे आप 80% बार मिलते होंगे। अगर मैं 80-20 प्रिंसिपल का एक और एग्जाम्पल बताऊँ तो आप अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर चेक कीजिए। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट सेव होंगे उनमें से 20% कॉन्टैक्ट ऐसे होंगे जिनसे आप 80% बार कन्वर्जेशन करते होंगे, और रिमेनिंग 80% कॉन्टैक्ट ऐसे होंगे जिनसे आप सिर्फ 20% ही कन्वर्जेशन करते होंगे। अगर आपको लगता है कि हार्डवर्क करके भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कहीं आप वो 80% एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ आपको 20% ही रिजल्ट देता है। आपको वो 20% एक्टिविटी फाइंड करनी है और आपको वही एक्टिविटी करनी है जो आपको 80% रिजल्ट देंगी। अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो, अपना रिजल्ट बढ़ाना चाहते हो, तो आपको वो 20% एक्टिविटी ही करनी है जो आपको 80% रिजल्ट देती है। आपको आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा एफर्ट्स वो 20% एक्टिविटी पे ही लगाना है जो आपको 80% रिजल्ट देती है। सो इसको बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल, मीन्स 20% एफर्ट्स विल गिव यू 80% रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।